माँ मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो, माँ मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो। बस बहुत हो चुका, मुझसे इन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। कहाँ जा रहा है गमलू? तो छोड़ मुझे, इतना सारा अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। पागल मत बन गमलू, वो अनाज नहीं जहर है, जहर। तू जाने दे मुझे अभी। गमलू रुक जा, गमलू आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आओ बच्चा, आ जाओ बेटा, आ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। देख देख क्या लेके आया तुम लोगों के लिए, देखो फल लेके आया तुम लोगों के लिए, खा लो इसको बेटा। अरे अरे पागल हो गया है क्या, मत दे इन्हें, मर जाएंगे बच्चे। अरे सरपंच जी कुछ भी नहीं होगा इन लोग। अरे जहर है, जहर है। अरे कुछ नहीं होगा, देखो मैं खाता हूँ, खाता हूँ तुम्हें। देखो 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 हमें कौन बचाएगा? अनाज का रंग इतना अजीब क्यों? ये अनाज नहीं, जहर है विकराल साहब। न जाने हमारे गांव की फसल को किसकी नजर लग गई है। विकराल, ये अनाज तो खराब है। ऐसी फसल कब से हो रही है? सिर्फ इसी साल से, वरना तो राम जी की कृपा से हर साल अच्छी फसल हुआ करती है। इस जहरीले अनाज की वजह से पूरा गांव भूखा मर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। विकराल, जहरीले अनाज का असर, इस तरह तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें बचा लो विकराल, अब हमारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है। सर, अब आप क्या करोगे? इस मसले की जड़ तक पहुंचना होगा। सर, सुना है रात में इन खेतों में जंगली जानवर घूमते हैं। जानवर? कैसा जानवर विकराल? एक बहुत खतरनाक जानवर गबरू, कद में 3 फुट ऊंचा, छोटी छोटी बटन जैसी लाल आंखें, एक लंबी नुकीली नाक, कदम इतने हल्के कि कब तुम्हारे पीछे आ जाए तुम्हें पता ना चले। गबरू उसका नाम है। हाँ, बोलो बोलो। उसका नाम है गबरू।
बड़े बाबा तुम बाबा आप यहां कब से दस मेरा मतलब है कि आप यहां कब से आराम कर रहे हैं? अब तो अरसे से भी ज्यादा अरसा हो गया। चाहते हो तुम? आप इस खेत का चप्पा चप्पा जानते हैं, यहां की फसल को क्या हो? यह मिट्टी मनहूस हो गई है, इसमें काली आत्माएं दफन है। काली आत्माएं? पहले एक भूतनाशक के डर से कुछ काली आत्माएं इस जमीन में आकर छुप गई थी। उनके बुरे साए से ये सारी जमीन खराब हो गई। ये भूतनाशक है कौन? विकराल। क्या हुआ विकराल? मैं ही विकराल हूं, और अगर ये काली आत्माएं मेरे डर से यहां अंदर छुपी हैं, तो मैं ही उन्हें बाहर निकालूंगा। उन आत्माओं को सिर्फ सोने की बारिश भी ठीक कर सकती है, जो इस धरती को पापी आत्माओं से मुक्त करेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें सोने के तीर की जरूरत पड़ेगी। सोने का तीर? तीर? और वो भी सोने का? सोने का तीर जो अंधेरे में बुराई का साथ दे और उजाले में अच्छाई का। ला सकोगे उसे? अगर लाना है तो लाऊंगा, सोने का तीर। तुमने मुझे आजाद क्यों किया? आजाद नहीं, ब्रेक दे रहा हूं। तुम्हारी मौत एक सोने का तीर हासिल करते हुई थी ना? हाँ, सोने का तीर जिसे तुम आसमान में चलाओगे तो सोने की बारिश होगी। सोने का तीर? विक्रम,
तीर तुम रख लेना और सोना मुझे दे देना। वो सोने का तीर मुझे कहाँ मिलेगा? चाकाल जंगल में मनोरी नदी से पहले एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसी के अंदर से जाने का रास्ता है सोने के तीर तक पहुंचने का। थैंक्स अंशु। चलो कब्रो ले ली, लेट्स गो। लेकिन सोने के तीर तक पहुंचने के खतरे इतने हैं कि तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे और मेरी तरह भूत बन जाओगे। विकराल मरेगा। तो तीन पेड़ हैं। ये वाला पेड़ होगा? नहीं नहीं, ये वाला होगा। नहीं, ये वाला। मैं अभी आता हूँ। रुक अब रुक। मैं देखता हूँ। मुस्कुराता चेहरा दर्यकाल। दर्यकाल? कौन दर्यकाल? एक अजीबोगरीब प्रेत जिसे कभी गुस्सा नहीं आता। ये तो अच्छी बात है ना सर? अच्छी नहीं, बहुत बुरी बात है लिली। अगर उसे गुस्सा नहीं दिलाया तो वो मरेगा नहीं, और अगर मरा नहीं तो हमें पार नहीं होने देगा। सही पहचाना मुझे विकराल। तुम्हें अगर इस दरवाजे को पार करना है तो मुझे गुस्सा दिलाना होगा मेरे दोस्त। इसे गुस्सा दिलाना कौन सी बड़ी बात है? कोई भी गुस्सा दिला सकता है। लल्लूपुर चूहे के अंडे, ए काले तरबूज। इस तरह तुम मुझे गुस्सा नहीं
हंसा रहे हो? अभी दिखाता हूँ, अब बोल, डाल दूंगा, डाल दे, अच्छे अच्छे को गुस्सा दिलाया है मैंने, यू डोंट देखो, छोड़ दो उसे तारे का। ठीक है, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूं। थैंक यू। सर, इस तरह तो हम कभी पार नहीं कर पाएंगे, यू बदसूरत बंदर। कहो जो कहना चाहो, करो जो करना चाहो, पर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछो जो पूछना चाहो। तुम्हें गुस्सा आ जाएगा? मुझे गुस्सा नहीं आता, पूछो। जाने दो, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। नहीं आएगा, पूछो। ठीक है, तो सुनो, तुम गुस्सा आ जाएगा तुम्हें। नहीं आएगा, पूछो। क्या बात है, 2000 सालों में मैं एक बार भी नहीं गुस्सा हुआ। ठीक है फिर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले तुम देखो, जिससे भी मैंने ये सवाल पूछा है ना, उसे गुस्सा आ जाता है, और मुझे लगता है तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मैं नहीं पूछ सकता। मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा नहीं आता। कैसे पूछूं, ये गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, पूछो। देखा लिली, गबरू, देखो गुस्सा आ रहा है उसे। मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, तो सुनते क्यों नहीं, पूछो। कैसे पूछ सकता मैं सवाल? मुझे गुस्सा दिला दिया तुमने। सवाल पूछने से पहले गुस्सा आ गया, पूछता तो क्या होता। सर, आपको क्या पूछना था? बस लिली, ऐसे टाइम पास कर रही है। इतनी फसल लेकिन सब बेकार। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमसे? हमसे नहीं, विकराल से ले रहा है। विकराल हम सबके लिए लड़ रहा है, भगवान उसे सफल करे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।